दोस्तों आज हम बताने वाले हैं प्ले स्टोर जो ट्राई अगेन प्रॉब्लम दिखाता है, क्यों दिखाता है और इसका सॉल्यूशन क्या है, अभी हम उसको बताएंगे। ठीक है, चलो पहले प्ले स्टोर ओपन करते हैं। पहले नेट ऑन कर दो, इंटरनेट जो ऑन है आपका मोबाइल का इंटरनेट ऑन कर दो। इसके बाद प्ले स्टोर आ जाओ। देखो प्ले स्टोर ओपन करता हूँ। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद देखो मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ऊपर देखो KBPS चल रहा है, नेट ऑन है, मेरा इंटरनेट ऑन है, फिर भी वो फंक्शन काम में नहीं आता है। ऊपर देख इधर देखो हॉट एयर बैलून प्ले करने के लिए भी आ जाता है। देखो ऐसे करके आप प्ले कर सकते हो। देखो अगर नेट होगा ये नहीं आएगा, अगर इंटरनेट आपका होगा तो नहीं आएगा, मतलब इंटरनेट तो है। ऊपर देखो KBPS चलाता है, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ऊपर आता है, ऊपर सारे देखो मैं दिखाता हूँ, ऊपर सारे आ जाता है मगर इधर नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, उसका प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, ये देखो ये तो नहीं आता है। ठीक है, इसको बैक कर दो। बैक करने के बाद पहले आप सेटिंग में चलो। सेटिंग में जाने के बाद फिर ढूंढ लेना आप, ऐप्स क्लिक करो। ऐप्स के बाद फिर आपका आ जाता है ऐप्स मैनेजमेंट। ऐप्स मैनेजमेंट पर क्लिक करो और दूसरे कोई मोबाइल में सैमसंग हो ये और दूसरे कोई मोबाइल हो EMI हो और उसमें आप मैनेजर होगा, नहीं तो आप मैनेजमेंट होगा, वही जिधर सारे ऐप रहता है उधर ही सारे ऐप जिधर रहता है उधर क्लिक करो। मैंने क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद इधर देखो आप इधर ढूंढ लेना है, नहीं तो सर्च कर लेना है। देखो मैं ढूंढ लिया, थोड़ा आ गया इधर प्ले स्टोर। प्ले स्टोर पर क्लिक करो। प्ले स्टोर पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, पहले देखो स्टोरेज में जाओ। स्टोरेज यूजेस में जाने के बाद उसको कैचे क्लियर कर दो। मैंने कैचे क्लियर कर दिया। और क्लियर डाटा जो है ना, क्लियर डाटा नहीं करना है, क्लियर कैचे सिर्फ करना है बस। इसके बाद बैक कर दो। बैक करने के बाद फिर आप क्या करना है, देखो आप इधर डाटा यूजेस लिखा है, स्टोरेज के थोड़ा ऊपर है डाटा यूजेस, वो डाटा यूजेस पर क्लिक करो। देखो डाटा यूजेस पे क्लिक करने के बाद इधर देखो बैकग्राउंड डाटा इनेबल है। इसके बाद डिसेबल मोबाइल जो डाटा लिखा है वो ऑन है। इसका मतलब है आपका मोबाइल डाटा को बंद करने के लिए परमिशन दिया है, इसीलिए वो डिसेबल मोबाइल डाटा लिखा है। डिसेबल मोबाइल डाटा ऑन है इसीलिए जो हमारा जो प्ले स्टोर है ना, जो एप्लीकेशन, वो इंटरनेट सप्लाई नहीं होता है। इधर तो ऑन है मगर वो इंटरनेट सप्लाई नहीं होता है। अगर कोई भी बंदा नहीं तो आप मिस्टेकली, कुछ पता नहीं था, मिस्टेकली जल्दबाजी में इसको ऑन कर दिया तो इस टाइप का प्रॉब्लम आ जाएगा। ट्राई अगेन। आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये जो डिसेबल मोबाइल डाटा लिखा है, डिसेबल मोबाइल डाटा को ऑफ कर दो। ऑफ करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैं अभी दिखाता हूँ। देखो मैं डिटेल्स बोल दिया, ठीक है, मोबाइल डाटा इसको अभी ऑफ कर दिया। देखो ऑफ करने के बाद देखो मैं फिर बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद फिर वही नेट चलाता हूँ, वही देखो इंटरनेट है। देखो आ गया, फिर आपके सामने आ गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया बस। ठीक है, इतना बोल के मैं वीडियो रखता हूँ। आशा करता हूँ अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं टेक रिलेटेड वीडियो सारे बनाता हूँ। थैंक यू।